नमस्ते दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं फिश करी। ये रेसिपी से आप कोई भी फिश बना सकते हो, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे मैंने मिक्सी का जार लिया है, इसमें हम डालेंगे फ्रेश कोकोनट। एक वाटी मैंने फ्रेश कोकोनट लिया है, 3 हरी मिर्च ली है, 9 से 10 मैंने लहसुन लिए और 1 इंच मैंने अदरक लिया है, आधा मैंने प्याज लिया है, प्याज हमें ज़्यादा भी नहीं लेना है, और मैंने लिया है आधा टमाटर। 1 मुट्ठी मैंने लिया है हरा धनिया, आप देख सकते हो मैंने दंडी भी धनिया का रखा हुआ है। थोड़ा सा इसमें पानी डाल के इसका हम अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। पैन गरम हो गया है, इसमें हम डालेंगे 4 से 5 टेबलस्पून तेल, 4 से 5 हमें लहसुन की कुटी हुई कलियां लेनी है, इसका कच्चापन हमें अच्छे से निकालना है। अभी इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून लाल मिर्ची का पाउडर और 1 टेबलस्पून हमें डालना है जो हम घर पे हमारे जो मसाला रहता है, यहाँ पे मैंने मालवनी मसाला यूज़ किया है तो वो मैंने लिया है, और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी ताकि जो हमने मसाले डाले हैं वो जले ना, और मसाले को हम अच्छे से तेल में फ्राई करके लेंगे ताकि मसाले का कच्चापन निकल जाए। अभी हमने जो पेस्ट बनाया था वो हम इसमें डालेंगे, इसको भी हम अच्छे से ऐसे फ्राई करके लेंगे। अभी इसमें हम डालेंगे करी पत्ता, ये मिश्रण को हमें अच्छे से तेल में 5 मिनट तक फ्राई करके लेना है। यहाँ पे मैंने 4 कोकम लिए हैं, अगर आपके घर पे कोकम नहीं है तो आप इमली भी यूज़ कर सकते हो, इमली को भिगो के उसका आप पल्प भी इसमें डाल सकते हो। अब इसमें हम डालेंगे पानी, पानी आपके ऊपर डिपेंड है कितना डालना है, अगर आपको थिक ग्रेवी बनाना है तो पानी कम डालिए, अगर आपको पतला वाला ग्रेवी बनाना है तो पानी ज़्यादा डाल रही है। मैं थोड़ा पतला बनाऊंगी तो पानी मैं थोड़ा ज़्यादा डाल रही हूँ। मीडियम गैस पे हमें इसे अच्छे से 10 मिनट के लिए बॉईल करके लेना है। हमें ये ग्रेवी को अच्छे से कुक करना है, इसके लिए इसको हमें अच्छे से बॉईल करना बहुत ज़रूरी है। ग्रेवी अच्छे से बॉईल हो गई है, अभी इसमें हम डालेंगे नमक, और यहाँ पे मैंने लिया है करली फिश, इसके जगह पे आप कोई भी फिश ऐड कर सकते हो जो आपको पसंद है। फिश डालने के बाद हमें इसको 7 से 8 मिनट के लिए अच्छे से बॉईल करके लेना है मीडियम फ्लेम पे। 7 से 8 मिनट बाद फिश हमारा बनके रेडी हो जाएगा। फिश करी बनके रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।